शेखर निकल वहां से। आई एम सॉरी शेखर, काम के वक्त दिल लगाना अच्छी बात नहीं। तुम अपनी ड्यूटी से चूके पर मैं नहीं। अब ये नसीहत अगले जन्म में काम आएगी। कब शुरू करेंगे रक्षाबंधन की शूटिंग? कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? क्या होने वाली है फिल्म की कहानी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। ये साल अक्षय कुमार के लिए काफी व्यस्तता भरा है। वैसे तो हर साल ही उनका व्यस्त है, 3 से 4 वो फिल्में कर देते हैं, लेकिन कोविड के चलते उनकी जो एक्सटेंड हुई है इस साल वो एक के बाद निपटा रहे हैं। उनकी कई फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं और कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिलहाल अक्षय अपनी फिल्म बच्चन पानी की शूटिंग कर रहे हैं और अब खबरें आई हैं कि अक्षय कुमार जल्दी ही अपनी एक और फिल्म जिसका नाम रक्षाबंधन है, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने हाल ही में की है, उसकी शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म के लिए अक्षय अप्रैल से शूट शुरू करने वाले हैं। पिंक विला के एक सूत्र ने बताया कि वो रक्षाबंधन के एक हिस्से के लिए 40 से 45 दिन तक शूट करेंगे। फिल्म के लिए जो अक्षय कुमार का किरदार होने वाला है वो एक केयरिंग भाई का होने वाला है। बड़े भाई होंगे जिनमें 3 उनकी छोटी बहनें होंगी। फिल्म में वो सारे मोशन दिखाए जाएंगे जिससे दर्शक अपने आप को जोड़ पाए। अभी फिल्म शूटिंग शुरुआत के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की गई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को दिवाली पर रिलीज करने का मन बनाया गया है। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि दिवाली पर ही शाहरुख की पठान आ रही है और शाहरुख 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं, तो सभी शाहरुख की फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। इस वजह से बड़ा क्लैश ना हो तो अक्षय कुमार की जो रक्षाबंधन है वो पोस्टपोन भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जैसे कि सूर्यवंशी जो कि एकदम बनकर तैयार है, बेल बॉटम का शूट उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद पृथ्वीराज, अतरंगी रे, बहुत सारी फिल्में हैं अक्षय कुमार के खाते में। वहीं अक्षय कुमार इन दिनों जयपुर में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसका नाम बच्चन पांडे है। साजिद नाडियाडवाला इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और रक्षाबंधन करें तो बहुत ही इमोशनल ये फिल्म होने वाली है। और काफ़ी टाइम से हमने भाई बहन के रिश्ते में कोई भी फिल्म नहीं देखी है। इससे पहले जो पुरानी 90s की फिल्में थी, 80s की फिल्में थी, उसमें भाई बहन का प्यार बहुत दिखाया जाता था और गाने भी उसी टाइम के मशहूर है। जब भी रक्षाबंधन आता है हम एक ही गाना गुनगुनाते हुए दिखते हैं कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000ों में मेरी बहना है। तो अब एक और फिल्म की हमें ज़रूरत है जिससे हमें और भी ज़्यादा प्यार भरे भाई बहन के सॉन्ग मिले। और अक्षय कुमार हर टाइप की फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इस बार उन्होंने सोचा है कि भाई बहन के रिश्ते को आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको अक्षय कुमार की फिल्मों का कितना इंतज़ार रहता है, रक्षाबंधन का कितना इंतज़ार है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।